मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी हो चुकी हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ख्वाब, आंख खुले की और सब बदल जाएगा। आप यकीन आया कि ख्वाब नहीं है? बहुत अच्छी तरह खान, जब हकीकत में बदल जाते हैं तो इंसान यूं ही मेरी तरह बेयकीन रहता है। Thank you so much, Dad. Thank you for trusting me. मैं जानता हूँ कि ये फैसला तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। इसके बावजूद तुमने मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर भरोसा किया। ऐसा करके तुमने मुझे हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया। वादा करता हूँ कि आज के बाद खुद को कभी अकेला महसूस नहीं करूँगी। जिंदगी के हर कदम, हर मोड़ पर तुम मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे, चाहे सामने जो भी हो। मैं आपको बता नहीं सकती उबैद कि मैं कितनी खुश हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे कंधों से कोई बोझ उतर गया है। मैंने कितने अरसे बाद अपने भाई को इस तरह खुल के मुस्कुराते हुए देखा। वो तो मुझे पिक्चर्स देख के ही अंदाजा हो गया था कि साले साहब कितने खुश हैं। अल्लाह करे दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहें। आमीन। एनीवेज, आप सुनाएं, हाउ इज योर डे और ऑफिस कैसा जा रहा है आपका? सब ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कि कब तक ठीक रहे। क्या मतलब, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? नाजिया, यहाँ के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। पोस्ट कोविड द सिचुएशन इज गेटिंग रियली वर्स। मार्केट में जॉब्स नहीं है, बहुत ज्यादा डाउनसाइजिंग हो रही है। पता नहीं मेरी जॉब कब तक बची रहे। अच्छा, कोई बात नहीं है, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं ना। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई होप सो, लेकिन मैं तुम्हें किसी खुशफहमी में नहीं रखना चाहता। नाजी, हो सकता है कि फिलहाल मैं तुम्हें यहाँ ना बुला सकूँ। एंड आई वांट यू टू मेंटली बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ये आप क्या कह रहे हो बैद? नाजी, प्लीज समझने की कोशिश करो। यहाँ बहुत एक्सपेंसेस हैं, ऊपर से गवर्नमेंट ने नए टैक्सेस लगा दिए हैं। करंट सिनेरियो में फैमिली के साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल है।
unless I find a better job somewhere else. देखो, आई नो तुम परेशान हो गए ये सब कुछ सुनकर, लेकिन मैं अपनी फैमिली का ही सोचकर ये सब कुछ कह रहा हूँ। यहाँ आकर टाइट कंडीशन में रहने से बेहतर है कि तुम वहीं पाकिस्तान रहो, तुम्हारा अपना सेटअप है, एंड होपफुली थिंग्स विल गो इन आवर फेवर। नाजी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे किसी बेहतर कंपनी में नौकरी मिल जाए ताकि मैं तुम्हें यहाँ बुलवा सकूँ, लेकिन तब तक तुम्हें पाकिस्तान में ही रहना होगा। अच्छा, अल्लाह सब बेहतर करेगा, आप परेशान नहीं हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।